नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। रसोई में खाना बनाते इस वक्त हमेशा कई गलतियां होती हैं। कभी खाने में नमक ज्यादा पड़ जाता है तो कभी चीनी, कभी मसाले ज्यादा डल जाते हैं तो कभी खाना जल जाता है। खाना बनाने वाला हर व्यक्ति इन समस्याओं से कभी न कभी जरूर गुजरता है। एक बार को नमक, चीनी या मसाले ज्यादा पड़ गए तो पानी की मात्रा को बढ़ाकर खाने के स्वाद को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर खाना जल जाए तो इसके उपाय कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जले हुए हिस्से को निकाल कर अलग कर लें, लेकिन जब बात ब्रेड टोस्ट के जलने की हो तो हम में से कई लोग इतना ध्यान नहीं देते और इसे दूध या चाय आदि के साथ आराम से खा लेते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि जला हुआ खाना आपके स्वास्थ्य के लिए कितना खराब है? भले ही आपको कुछ खाद्य पदार्थों को जला हुआ स्वाद पसंद आता हो, लेकिन इसे खाने से आपको कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, आपको जला हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, फिर चाहे वो टेस्टी लगने वाला जला हुआ ब्रेड टोस्ट ही क्यों ना हो। जब आप खाना पकाते हैं तो आग के कारण भोजन में मौजूद कंपाउंड्स और पोषक तत्व में कुछ बदलाव होते हैं। इन बदलावों के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य पर नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव पड़ते हैं। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनका पोषण मूल्य पकने के बाद बढ़ जाता है, जबकि कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा पकने के बाद अपना पोषण मूल्य खो देते हैं। आइए जानते हैं आपको जले हुए खाना खाने से दूरी क्यों बना लेनी चाहिए। पोषक तत्व का नुकसान। जलने के बाद खाने में मौजूद विटामिन बी एंड सी सहित कई जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, और जिस भोजन में पोषक तत्व और खनिजों की मौजूदगी ना हो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। बढ़ाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जले हुए खाने में खतरनाक वायरस बनने लगते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाने लगता है, इससे फ्री रेडिकल्स को भी नुकसान पहुंचने लगता है। ऐसा भोजन खाने से शरीर में सूजन के साथ कई तरह की बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। इनडाइजेशन प्रॉब्लम। खाने को ज्यादा पकाने या जलने से इसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। ऐसे भोजन का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म भी प्रभावित होता है, इनडाइजेशन की समस्या पैदा होने लगती है। खाने को डाइजेस्ट करने के लिए तमाम मुश्किलें भी आ सकती हैं। इससे आपको एसिडिटी, आंतों की समस्या और सीने में जलन की दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।